नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है मानव वर्मा। लेकर आए हैं हम आपके लिए आज एक 2 BHK फ्लैट जो कि होने वाला है। नितेश भाई, सबसे पहले बताओ कैसे हो आप। बढ़िया सर, बढ़िया। सर सबसे पहले ऑडियंस जो हमारी नई आई है उनको ऑफिस का नाम बताइए और कहां पर है ये बताइए। सर मेरा ऑफिस का नाम है प्रासर बिल्डर, DLF अंकुर बिहार में MM3 पे पड़ता है। ऑफिस का नाम है प्रासर बिल्डर, जो कि ये वीडियो है। ये वीडियो हाईवे से 100 मीटर के डिस्टेंस पे DLF अंकुर बिहार MM रोड पे बनता है सर। अच्छा, मतलब ये जो हमारा फ्लैट का वीडियो जो हम बना रहे हैं ना, हाईवे से 100 मीटर की डिस्टेंस पे बस। यस सर, गिनती का 100 मीटर डिस्टेंस है, मेन रोड के पास है। रामलीला ग्राउंड में सुना होगा यहाँ पे लोगों ने, बहुत फेमस जगह है और बहुत अच्छी सोसाइटी है, उसके अंदर आपको ये फ्लैट मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है, कई सारे इसमें सरप्राइजेज है और हमारी तरफ से बहुत ही बढ़िया सा आपको गिफ्ट भी इसमें मिलने वाला है। क्या सब चीज़ें होने वाली है और क्या क्या इसके साथ मिलने वाला है, उसके लिए जानते हैं। इस वीडियो को पूरा देखते हैं और एक बार फ्लैट देखते हैं। और क्या दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा ये जो 2 BHK फ्लैट होने वाला है कैसा है और कैसा आपका ही ज़बरदस्त हमने इसमें काम वगैरह हमने करा के दिया है। तो सबसे पहले अगर मैं इस टाइम आऊँ तो ये हमारी एंट्रेंस है और यहाँ पे प्रॉपर हमने वुडन का काम कराया है। वुडन डोर है और अच्छे 7 फीट हाइट का हमने डोर लगाया है। थिकनेस आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। चौखट वगैरह पे एक बार में आप नज़र डालोगे तो अच्छी खासी मोटी चौखट यहाँ पे हमने लगाई है। ऊपर की तरफ ग्लास लगा हुआ है ताकि थोड़ी बहुत लाइट बाहर से आती रहे। और एक बार मैं इस फ्लैट का आपको लुक दिखाऊँ ना, कितना ही खूबसूरत आपका ये लिविंग रूम होने वाला है। और इस तरफ जो है लिविंग रूम में हमारा टीवी पैनल हमने लगा के दिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया काम है। नीचे की साइड थोड़ा सा स्टोरेज है और यहाँ पर आपका टीवी लग जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट्स का हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये पूरा वुड का पैनल हमने बनाया है और ऊपर हाइट अराउंड इसकी 10 फीट के लमसम होने वाली है। और ये आपकी किचन को काइंड ऑफ एक पार्टीशन देता है क्योंकि ओपन किचन थी, फिर यहाँ पर ये हमने लगाया वुड का पैनल, जिससे एक बहुत ही प्यारा लुक और बहुत प्रीमियम सा लुक इसमें आपको मिल गया। प्लस में अगर मैं बताऊँ आगे तो यहाँ आपका एक कॉमन वॉशरूम भी इसमें आपको मिल जाता है। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको अंदर से, तो इसमें हमने ऊपर तक टाइल्स वगैरह लगा के दिए हैं आपको और यहीं पर भी आपकी सारी फिटिंग्स वगैरह हो जाएंगी। इसी के साथ हमारा ये रूम अटैच है, रूम नंबर 1। इस तरफ है आपका रूम नंबर 2। और लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इसके किचन की, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही बढ़िया एक लाइट सा इसमें हमने आपको थीम बनाकर दिया है। प्रॉपर ब्राइट लुक आपको किचन का मिल रहा है। तो अगर मैं स्टोरेज दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बॉक्सेज हैं और यहाँ पर भी हमारे पास बॉक्सेज हैं, स्टोरेज है। यहाँ पर आपका आरओ लगाने की जगह है, ऊपर हमने यहाँ पे आपको एक स्विच भी दिया है आरओ लगाने के लिए। और लाइटें हमने आपको लगा के दी ताकि आप ये बॉक्सेस खोलें ना तो इस तरीके से आप अंदर आराम से देख पाएं, अंधेरा ना हो इसमें बिल्कुल भी। इसी तरीके से हमने नीचे यहाँ ड्रॉर्स वगैरह लगा के दिए। एक बार मैं क्लोजली दिखाऊँ आपको तो ये पूरा कवर्ड है, स्टेनलेस स्टील है, सेम यहाँ पर स्टेनलेस स्टील एंड हेयर ऑल्सो। और देखो कितना स्मूथ फंक्शन है इनका। फिर यहाँ पर कुछ स्टोरेज है, थोड़ा सा स्टोरेज यहाँ पर है, यहाँ डस्टबिन वगैरह रखने की जगह है। ये आपका स्टेनलेस स्टील का आपका जो है आपका सिंक होने वाला है। और साइज़ की बात करूँ ना तो अराउंड 6x8 की आपकी किचन इसमें मिल जाती है आपको। और अब बात कर लेते हैं इसके मास्टर बेडरूम की। तो मास्टर बेडरूम में भी अराउंड 7 फीट का हमने डोर लगा के दिया है, वही थिकनेस सब कुछ वैसा ही है। कंपेरिजन आप कर सकते हैं जब भी आप आएंगे। और एक बार आप इसका साइज़ देखिए, काफ़ी अच्छा और बड़ा आपको यहाँ पे मास्टर बेडरूम मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वॉलपेपर दिखाऊँ, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा हमने वॉलपेपर लगा के दिया है। आपको वुडन पैटर्न इसमें दिख रहे होंगे और बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर है। ऊपर फॉल सीलिंग में इसमें हमने लाइट यूज़ करी है, फैन आप देख सकते हो प्रीमियम क्वालिटी का हमने लगा के दिया है। और साथ ही में आपकी एक बहुत बड़ी विंडो है, लाइक आप यहाँ पे बैठो और काफ़ी अच्छी हवा यहाँ से आ रही है, सनलाइट भी यहाँ पे आ रही है। अगर मैं फ्लैट की सारी लाइटें बंद कर दूँ तो भी यहाँ इस रूम में अच्छी लाइट रहने वाली है। और यहाँ पर बेसिकली ये आपका हमेशा ओपन रहेगा, क्लोज नहीं होने वाला। तो काइंड ऑफ एक छोटी सी आपकी बालकनी बन गई है यहाँ पे। और अब चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। और यूजुअली छोटे छोटे वॉशरूम होते हैं लेकिन यहाँ पर आप देखिए कितना ही बड़ा हमने आपको एक वॉशरूम बना के दिया है। ऊपर तक यहाँ पे टाइल्स लगी है, नीचे आपकी फिटिंग्स वगैरह लग जाएंगी। और डोर देखो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का, अराउंड मोर देन 6 फीट यहाँ पर आपको डोर मिल जाता है। हैंडल्स वगैरह सारे हमने स्टेनलेस स्टील के यूज़ करें, बढ़िया क्वालिटी के और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यूज़ करें। अब चलते हैं इसके
रूम नंबर 2 में, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट रूम है, पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि उसमें बालकनी अटैच है और बहुत अच्छा एक व्यू आता है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाता है आपका रूम नंबर 2। ये देख सकते हैं इसका भी डोर हमने सेम रखा है, अराउंड 7 फीट डोर है। प्लस में एक बार अंदर आएंगे तो यहाँ एक खूबसूरत सा वॉलपेपर आपका होने वाला है, जो कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा वेलवेट सी फिनिश का वॉलपेपर है, रेड, और ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे प्लांट का हमने इसमें डिज़ाइन बना के दिया है, और आपको फुली फर्निश्ड फ्लैट मिलने वाला है ये, तो उसका ही एक एग्जांपल ले लो। हमने यहाँ पे ऑलरेडी अलमारी बना के आपकी रख दी है। अब ये जो है ना, आप इसे कहीं लगा लो, हमने इसको ऐसा नहीं है कि वॉल में फिक्स कर दिया, ये मूवेबल है, आप इसे वहाँ लगाना चाहो वहाँ लगा लो, यहाँ इस वॉल पे लगाना चाहो, जैसा आपको ठीक लगे, दूसरे रूम में रखनी है वहाँ रख लो। तो ये जो है आपकी मूवेबल है, कहीं भी आप इसे ले जा सकते हो। और अब चलते हैं दोस्तों बालकनी की तरफ। तो ये सेम हमने अच्छी क्वालिटी का डोर यहाँ पे लगाया है, और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितनी बड़ी आपको इसमें बालकनी मिल जाती है। यहाँ अपनी वॉशिंग मशीन रखी है, यहाँ कुर्सी वगैरह डाल के बैठिए, शाम को चाय वगैरह पीजिए। और एक बार बाहर देखिए, बाहर जो सामने आपको गेट दिख रहा है, तो बेसिकली गेटेड सोसाइटी के अंदर है। रोड आप देख सकते हैं ऑलरेडी बनी हुई रोड है इसमें, और सामने की तरफ आपको एक ग्राउंड दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो है वो है रामलीला मैदान ग्राउंड। तो बहुत फेमस जगह है, और बहुत फेमस सोसाइटी के अंदर बेसिकली आपको एक फ्लैट दिया जा रहा है। और दोस्तों अगर आपको अच्छी सोसाइटी पसंद है, सभ्य लोग पसंद है, और बिल्कुल सिक्योर्ड एनवायरनमेंट चाहिए अपने बच्चों के लिए, खुद के रहने के लिए भी, तो इससे बेस्ट लोकेशन कोई नहीं है पूरे DLF अंकुर विहार में। DLF अंकुर विहार की सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन के अंदर आपको ये मिलने वाला है। एक बार मैं नीचे आपको दिखाऊँ ना गली में, तो आप देख लो सारा रोड हमने यहाँ बना रखा है, ये बंद है बेसिकली, तो यहाँ कोई ट्रैफिक का मतलब नहीं है, एक एंट्रेंस है बस यहाँ पे, और ये पूरी आपकी सोसाइटी समझ लो आपकी यहाँ पे बनी हुई है। पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ पे, नई बिल्डिंग भी बनी हुई है, अभी अभी आपके लिए लेकर आ गए हैं, इसीलिए हम लोग ब्रांड न्यू बिल्डिंग है, सब कुछ नया है, फुली फर्निश्ड फ्लैट है, 2BHK मिलने वाला है, तो देर किस बात की, अभी के अभी बुक करो। के साथ आपको जो मिलने वाली चीज़ें वो होने वाली है, एक आपका RO चिमनी होने वाला है, फर्नीचर मिलने वाला है। फर्नीचर में क्या है वो अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आप आओ उसके बाद आपको बताते हैं। बेसिकली बेड रहेगा, सोफ़ा रहेगा, टेबल वगैरह रहेगी, तो ये सब आपको इसमें मिलने वाला है। और तो और इतनी अच्छी लोकेशन है ना, तो इस चीज़ को आप मिस नहीं करिए, और जल्दी जल्दी आइए, बुक कीजिए इस फ्लैट को। और अब जान लेते हैं कि कितने का इसमें लोन हो जाएगा, कितना बुकिंग अमाउंट है, और कैसे आप आ सकते हैं, और कहाँ ये लोकेशन होने वाली है। अगर आप DLF अंकुर विहार के बारे में नहीं जानते, पहली बार सुन रहे हैं इस एरिया के बारे में, तो अब जान लीजिए। तो दोस्तों फ्लैट आपने देखा, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़रूर से ज़रूर शेयर करना उन सभी लोगों के साथ जो अपने घर में आकर बसना चाहते हैं, किराए की ज़िंदगी छोड़ना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब भाई से बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहले तो अगर यहाँ पे किसी को आना है, तो हमारा सबसे नियर बाय मेट्रो स्टेशन कौन सा है? सर यहाँ पे खजूरी खास जो अंडर कंस्ट्रक्शन में मेट्रो स्टेशन चल रहा है, ठीक है, इसके बाद शास्त्री पार्क हो गया, गोकुलपुरी हो गया, तो मेरा नियर बाय मेट्रो स्टेशन है। तो और सबसे पास का हमारा मेट्रो स्टेशन शिव विहार हो जाएगा जी, ठीक है। और लोकेशन हमारी पास में बता दो, हमारे यहाँ पे कश्मीरी गेट से ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर सिग्नेचर ब्रिज से 5 से 6 किलोमीटर है हम लोग सिग्नेचर ब्रिज से। भाई इसकी बुकिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, ठीक है, ठीक है सर। 11,000 से मेरा बुकिंग अमाउंट है, ये फ्लैट को बुक करने के लिए आप 11,000 से 11,000। अच्छा भाई लोन कितना करा दोगे? सर 90% तक लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है, तो 90% तक लोन है, 11,000 की बुकिंग है, नीचे जो नंबर चल रहे हैं यहाँ पर आप कॉल कीजिए, और आपको जो है प्रॉपर डिटेल्स दी जाएगी नीतीश भाई से, नहीं तो किसी और से आपकी बात हो जाएगी, और प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाएगी। पाराशर बिल्डर्स नाम जरूर याद रखना, MM नंबर 3, और DLF अंकुर विहार में जैसे आप नीचे उतरेंगे भीमपेरी से, लेफ्ट हैंड साइड पे पहला ऑफिस है MM03 पाराशर बिल्डर्स। तो ज़रूर से ज़रूर आइए, विजिट कीजिए, और इस खूबसूरत से फुल फर्निश्ड फ्लैट को अपना बना लीजिए, वो भी बहुत बजट वाले प्राइस में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। जय हिंद।